देखिए, वो जब मेरे पास आया था बहुत छोटा बच्चा था, और लेकिन आने के मैं कहूँगा कि कोई 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद ही लग गया था कि वो और बच्चों से अलग है, और उसमें कुछ क्वालिटीज़ ऐसी थी जो उस एज के बच्चों में नहीं होती। देखिए, एक तो उसमें बहुत पावर थी, नेचुरली बहुत टैलेंटेड था, गिफ्टेड प्लेयर था वो। ऐसा नहीं था कि उसको बहुत ज़्यादा सिखाना पड़ा हो, उसको गिफ्टेड वो बहुत ज़्यादा था, गॉड गिफ्ट था उसका टैलेंट जो उसका नेचुरल है। प्लस वो हार्डवर्किंग था, कुछ भी उसे कहा जाए तो ही वॉज विलिंग टू डू दैट। ऐसा नहीं था कि वो मेहनत में पीछे नहीं रहना चाहता था, सबसे आगे निकलना चाहता था, और उसी टाइम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी था। देखिए, बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं किसी भी बच्चे में, जैसे 18-19 साल का बच्चा हो, उसके फादर चले जाएँ तो बच्चा, उसका एक तरह से बचपन ख़त्म हो जाता है वहाँ पर, और वो बच्चा बहुत मैच्योर हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं रहता और सोबर हो जाता है। तो वो सब चेंजेस नेचुरली विराट में भी आए। देखिए, वो मैच्योर हो गए हैं विद द एज, कप्तानी मिलने के बाद और ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है, और वो ही वॉन्ट्स टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, अपनी टीम को आगे लेके जाना चाहते हैं, देश की टीम का नाम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इंडिया एक नंबर वन टीम हो हर फॉर्मेट में। तो एज के साथ साथ वो मैच्योर होते गए हैं, सेल्फ बिलीव बहुत है उनमें, और वो टीम को बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं, आगे लेके जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, गॉड हैज बीन ऑलवेज काइंड टू हिम, एंड मतलब वो ठीक ठाक फैमिली से थे, फैमिली ठीक ठाक होने के अलावा फैमिली के संस्कार बहुत अच्छे हैं उनके, तो उनके ग्रूमिंग बहुत अच्छी की गई है, माँ बाप ने बहुत अच्छे उनको संस्कार दिए हैं जो अभी तक उनमें कायम हैं। अपने उनके बड़े ब्रदर हैं और बड़ी सिस्टर हैं, तो वो लोग उनको बहुत प्यार करते थे और ये भी उनको बहुत इज्जत करते थे, तो कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आई विराट को। एग्रेशन विराट की स्ट्रेंथ है, तो वो ही मतलब उस एग्रेशन की वजह से ही वो इतना सक्सीड भी किया है कि वो मतलब बिलीव करता है कि मैं किसी की भी आंखों में आंखें डाल के खेल सकता हूँ। हम अदरवाइज हम बाहर जाते थे, ऑस्ट्रेलिया जाते थे, वो स्लेजिंग करते थे, हम सर झुका के वो इधर उधर हो जाते थे कि गाली सुन लेते थे उनकी, लेकिन ही सौरभ गए। और मेरे ख्याल से ये शुरुआत हिंदुस्तान में की सौरभ गांगुली ने, कि उन्होंने आंखों में आंखें डाल के खेलना सिखाया, एक यकीन दिलाया इंडियन प्लेयर्स को कि हम बाहर जाके जीत सकते हैं, या ये प्लेयर्स हमारे से बहुत अच्छे नहीं हैं, हम इनसे कम्पीट कर सकते हैं। तो उसी श्रेणी में मैं कहूँगा विराट भी हैं, कि वो अगर उनको कोई स्लेज करता है तो वो उसका जवाब देते हैं, और अच्छी बात है सबसे कि वो बल्ले से जवाब देते हैं। नहीं, विराट कभी भी अपनी तरफ से शुरुआत नहीं करता है, बहुत ज़्यादा जब उसको कोई कुछ बोले या बहुत ज़्यादा हो जाए तभी वो रिएक्ट करता है, वरना अब तो वो इतना मैच्योर हो गया कि वो रिएक्ट भी करना उसने कम कर दिया। लेकिन इनिशियली भी वो कभी भी झगड़ालू नहीं था, कभी किसी को कुछ नहीं बोलता था, ही इज़ वेरी रेस्पेक्टिव अपोनेंट की, कोई अच्छा प्लेयर हो उसकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता है। आज भी अगर आपने देखा हो पाकिस्तान के आमिर की, मोहम्मद आमिर की, उन्होंने कितनी तारीफ की कि वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, तो ही इज अ सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर जो रेस्पेक्ट करता है अपने अपोनेंट की, अनलेस एंड अंटिल वो उसे प्रोवोक करें या उसको टीज करें या कुछ ऐसे स्लेजिंग करें। और हम लोग वो भी डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे चीज़ें गलत हो रही हैं या क्या टेक्निकली मुझे अगर कुछ लगता है, तो वैसे वो खुद बहुत समझदार हो गया है, काफ़ी इंटेलिजेंट क्रिकेटर है, उसे पता है कि क्या करना है, और काफ़ी अच्छे कोचेस हैं टीम के साथ, एक्सपोजर बहुत हो गया है, तो बहुत ज़्यादा वो इनपुट्स की ज़रूरत नहीं होती। बट फिर भी कभी भी ऐसा बात होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही बात करते हैं। फिटनेस का मंत्र तो अभी कुछ सालों से ही आया है, पहले भी ऐसा नहीं था कि वो फिट नहीं था, तो पहले भी वो एक्सट्रीमली फिट था, लेकिन अभी कुछ पिछले मैं कहूँगा 4-5 साल से उनको बहुत ज़्यादा फिटनेस का वो हो गया है, शौक हो गया है, और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, तो ये अभी लेटली डेवलप हुआ है, लेकिन फिट वो शुरू से ही था और बहुत स्ट्रांग था वो शुरू से। सर, इस फिटनेस के पीछे किसका आपको लगता है आता है, मतलब ये जो सोच का
ये बेसिकली ये सोच है उनकी कि अगर मुझे वर्ल्ड नंबर वन बनना है या मेरी टीम को वर्ल्ड नंबर वन बनना है तो हमारी फिटनेस बहुत अच्छी हो टीम की, और वो चाहते हैं कि सब प्लेयर्स फिट हों उनकी तरह ही और इंडिया नंबर वन बने, तो इसी सोच के साथ वो मेहनत करता है, उसके लिए बहुत सैक्रिफाइसेस भी करता है। हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूँगा उसको और कहना चाहूँगा कि भगवान उनको ताकत दे, हिम्मत दे कि वो इसी तरह देश के लिए खेलते रहें और देश को मान जिताते रहें और एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर इंडिया के बनेंगे।